थका मन चालो जीवा चका नयन देखिबा शंखनाभि मंडळरे बेनी नेत्र पखाळिबा बाटरे बाटमंगळा देखिबा अठर नळा प्राचीन भक्त कवि सारियाभिकंक एही रचनारु मा बाटमंगळांक प्राचीनता सुस्पष्ट पुरी भुवनेश्वर रास्तार चारिनळा ग्राम परिपरे श्री मुक्तेश्वर महादेवंक निकटवर्ती स्थानरे विराजिता मा बाटमंगळा केतेक एहा केवळ एक घरोई मंदिर बोली कहुथिले मध्य मंदिरटि गजपतिंक द्वारा प्रतिष्ठित बोली किछि दाबी करन्ति आश्विन मासर शारदीय दुर्गा पूजा ओ चैत्र मासर बासंतिक दुर्गा पूजा समयरे श्रीमंदिरु माँक पई साड़ी ओ चंदन आसिथाय रथयात्रा समयरे मध्य श्रीमंदिरु मा बाटमंगळांक निमन्ते साड़ी आसिथाय सड़क पथरे पुरी बाहर को जाउथिबा ओ बाहर पुरी के आसुथिबा प्राय प्रत्येक श्रद्धाळु यात्रार मंगल ओ सफलता कामना करी माँक उद्देश्य रे दुई हाथ जोड़िथान्ति प्रतिदिन हजार हजार श्रद्धाळु एठारे दीपदान करिबा सह नूतन गाड़ी मोटर पूजा करिथान्ति श्रद्धाळु मानक द्वारा एठारे प्रायतः भोजी भातर मध्य आयोजन करा जायथाय माँ परम वैष्णवी 2015 नवकलबर समय रे रास्ता चौड़ा हेबा कारण माँ सामान्य पक्ष को घुंची आसी नूतन मंदिर रे अधिष्ठिता होइछन्ति शारदीय दुर्गा पूजा माँ पीठ से मूलाष्टमी द्वितीया ओषा ठारु आरंभ होइछि सूर्य पूजा बल्लभ माजणा और चंडीपाठ सह चंदन लागि करा जाउछि मध्याह्न रे खेचुड़ी डालमा और बेसर आदि भोग करा जाउछि महासप्तमी ठारु महानवमी पर्यंत तीन पूजा समय रे पिठा भोग सह स्वतंत्र नीतिकांति अनुसृत होइथाय माँ का चलती प्रतिमा भुवनेश्वरी आठ दिन बाहर विजय करुथिबा समय रे केवल बालभोग और फल आदि नैवेद्य करा जाए महाअष्टमी और दशहरा दिन माँ महिषामर्दिनी रूप से भक्तगण को दर्शन प्रदान करिथांती बोली पूजक भास्कर पंडा आम दृष्टि टीम को सूचना प्रदान करिछन्ती।